हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपन बात करेंगे जो ईसीएल स्वीडन स्टॉकहोल्म का क्वार्टर फाइनल 3 होगा, जो खेला जाएगा एलबी जलमी सीएफ वर्सेस उमिया के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो मैच 4:30 बजे स्टार्ट होगा। शाम को मैच खेला जाएगा नोर्सबर्ग क्रिकेट ग्राउंड स्टॉकहोल्म में। पिच रिपोर्ट की बात करूँगा, एक आर्टिफिशियल विकेट है, तो पिच का जो बिहेवियर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एवरेज स्कोर 80 से 100 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अब तक यहाँ पर 40 मैचेस हुए हैं, 22 जीते हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 18 में चेज हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर देखो, टॉस का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे टीम टॉस जीतकर बैटिंग फर्स्ट करे या फिर बैटिंग सेकंड करे। अब देखो, पहले बात कर लेते हैं एलबी जलमी सीएफ की टीम की, तो इनकी टीम ने 6 मुकाबले, मतलब जो लास्ट के 6 मुकाबले उनमें से कोई भी मुकाबला नहीं आ रहा है। इनकी तरफ से ओपन करेंगे कुदरतुल्ला, मीर अफजाल और अमन जाहिद। देखो, कुदरतुल्ला मीर अफजाल जो है ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है। लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर इसके नाम 3 तो विकेट्स हैं और बल्ले से इसने यहाँ पर 5, 11, 0, 29 के हैं, तो ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है, उतना कोई तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है। और ये ओपन ना ज़्यादातर करता नहीं है, मिडिल ऑर्डर में ही खेलता है। वो तो क्या, लास्ट मैच में इनकी टीम को पता था भाई हम क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उन्होंने इनको मौका दे दिया, अदरवाइज़ ये आपको ओपन करते हुए ज़्यादातर नज़र नहीं आएंगे। अमन जाहिद, इनके अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको ज़्यादातर नीचे ही बैटिंग करते नज़र आते हैं। 9 बैटिंग 0, 3, 6, 9 बैटिंग, सिर्फ आखिरी मैच में 16 रन 2 विकेट 1 ओवर डाल के, उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। आज़म खलील ये बहुत अच्छा प्लेयर है, लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर इसके नाम 4 विकेट्स हैं और बल्ले से 23, 4, 42, 5, 36 और 1 की पारी है। सेमीउल्लाह खलील की बात करूँ तो देखो, पहले कुछ मैच में इसको मौका नहीं मिला, लेकिन जो लास्ट के 4 मैच हैं वहाँ पर इसके नाम 2-2 विकेट्स हैं और बल्ले से भी 17, 14 और 28 हैं, तो ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट बन जाता है प्लेयर। जबीउल्लाह नियाज़ी 15, 1, 5, 8, 1, 29, 2 अच्छी पारी इसके नाम है, विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट देगा, चाहो तो ट्राई कर लेना। फजी चौधरी यहाँ पर 4 मैचेस खेला है, उसमें 3 विकेट्स हैं और जब जब इसने बॉलिंग कराई है ज़्यादातर विकेट्स निकाले हैं, 19 मैच में 13 विकेट इसका पुराना रिकॉर्ड है। जावेद दाऊदजाई की बात करूँ, 4 मैचेस टोटल खेला है, उसमें 5 विकेट्स हैं और देखो इसको ना 2 मैच में 2-2 ओवर मिले और 2 मैच में इसको 1-1 ओवर यहाँ पर मिला है। सबून नजरई की बात करूँ, 4 मैच में 2 ओवर कोई भी विकेट इसके नाम नहीं है। मशाल खान 2 मैचेस खेला है, उसमें 1 ओवर डाला है, उसमें 1 विकेट है। T20 में इसके नाम 29 मैच में 11 विकेट्स हैं। और शाहिद हैदरी की बात करूँ तो 9 बैटिंग पहले में, दूसरे में 1 ओवर डाला, वहाँ पर इसके नाम विकेट नहीं है। 15 T20 में 15 विकेट, ये इसका पुराना रिकॉर्ड है। लेमर मोहम्मद की बात करूँ, वैसे तो एक बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन इस सीज़न इसको मौका बहुत ही कम मिला है। आप देख सकते हो 4 मैच में सिर्फ 2 विकेट है, क्योंकि ओवर भी इसने टोटल 4 ही डाले हैं। पुराना रिकॉर्ड देखोगे 25 मैच में 18 विकेट है, एक अच्छा खासा ट्रंप पिक इस मैच का बन सकता है, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा। तो अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो हैं यहाँ से कुदरतुल्ला मीर अफजाल, आज़म खलील, सेमीउल्लाह खलील, फजी चौधरी, जाऊद दाऊदजाई और नीचे से यहाँ पर लेमर मोहम्मद। बेंच में जो भी प्लेयर हैं इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो एलबी जलमी की टीम है ना, इनके बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे, तो जो भी इनका फाइनल बैटिंग ऑर्डर होगा वो मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे कुदरतुल्ला मीर अफजाल, लेमर मोहम्मद, जाऊद दाऊदजाई और डेथ के ओवर डालेंगे यहाँ से अमन जाहिद, एम खान और एस नजरी। ये लास्ट मैच का रिकॉर्ड है। अब बात करें उमिया की टीम की, तो उमिया की टीम ने यहाँ पर लास्ट के 6 में से 2 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे हैं। ओपन करेंगे यहाँ से सोहेल अदनान और तत्विक रजा उल्ला। सोहेल अदनान की बात करूँ तो लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर इसके नाम 7 विकेट्स हैं, बल्ले से 31, 5, 12, 8, 42 और 11 रन की पारी इसके नाम है, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे सोहेल अदनान आपके लिए, बात आप ध्यान में रखना। तत्विक रजा उल्ला आएंगे इनके साथ में। इनकी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर 4 विकेट्स हैं और बल्ले से 19, 18, 1, 21, 6 और 37 की पारी है, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ें अच्छी की इन्होंने। माजिद मुस्तफ़ा, देखो टूर्नामेंट का स्टार्ट अच्छा था, 15, 46, लेकिन लास्ट के 4 मैच थोड़े ख़राब रहे हैं, 5, 12, 5, 9, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक प्लेयर हैं। आमिर हुसैन की बात करूँ, लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर बॉलिंग तो करवाई है इन्होंने और ज़्यादातर मैच में 2 ओवर भी डाले, लेकिन विकेट नहीं है, बल्ले से 7, 17 और 4 किए हैं। केयूम मियां के नाम लास्ट के 6 मैचेस में यहाँ पर 4 विकेट्स हैं, बल्ले से 19, 4 और 19 नॉट आउट की पारी इनके नाम है। फिर आएंगे ऐसे प्रदीप सिंह,
इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, नो बैटिंग, 1-5 नॉट आउट, 1-5 नॉट आउट, 2 नॉट आउट। ताहिर मुस्तफ़ा की बात करूँ तो लास्ट के जो 6 मैचेस हैं वहाँ पर इनके नाम एकमात्र विकेट है, और सॉरी 3 विकेट हैं, और लास्ट के 4 मैच में विकेटलेस रहे हैं। गोपीनाथन मानवलन की बात करूँ तो लास्ट के 6 मैच में 4 विकेट्स हैं और बॉलिंग भी इनको थोड़ी सी कमी मिली है। फहाद जबरी का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जुनेद मोहसिन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, और अब्दुल्ला अलमानून का भी उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी के लिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सोहेल अदनान, तत्विक रजाउल्ला, माजिद मुस्तफ़ा, आमिर हुसैन और के एम मियाँ। ताहिर मुस्तफ़ा को भी अगर आप चाहो तो रख लेना बेंच पे। जो भी प्लेयर है इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। स्टार्टिंग के ओर डालेंगे सोहेल अदनान, तत्विक रजाउल्ला, आमिर हुसैनी। डेथ के ओर डालेंगे तत्विक रजाउल्ला, जी मानवलन और के एम मियाँ। तो एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। बात करेंगे यहाँ पर डेमो टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने रखा है जेड नियाजी को, बैटिंग सेक्शन से रखा है आजम खलील, इसमुल्ला खलील और जी मानवलन को, ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है सोहेल अदनान, तत्विक रजा उल्ला, आमिर हुसैनी को, और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर रखा है के यू मियाँ, जे दाऊद जाई, एफ चौधरी और एल मोहम्मद को। तो ये मेरे 11 प्लेयर्स अभी के लिए रहेंगे। कैप्टन मेरे आजम खलील है, वाइस कैप्टन सोहेल अदनान है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।